जय माता दी। दोस्तों, मैं मौजूद हूं यूपी के सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे लोहरा मऊ माता मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन, बहुत ही जो है दिनों से यहां पे लोग जो है अपनी मनोकामनाएं, इच्छाएं लेके आते हैं मंदिर में। उनकी मान्यता है कि यहां पे दर्शन मात्र करने से पूर्ण होती है। जैसा कि नवरात्र चल रहा है, नवरात्र के आज मैं दूसरे दिन मौजूद हूँ। जैसा कि यहाँ पर सुबह से ही, प्रातःकाल से ही शाम तक जो है लगातार भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की, भक्तों की, और यहाँ पर जो है दर्शन करने आते हैं। और आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, पंडितों से, यहाँ पे क्या खासियत है और आज कैसा जो है, कैसी रही भीड़ भक्तों की। नमो देवे महादेव शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम। प्राय नवरात्र जो है 9 दिन का होता है, कभी कभी 8 और 7 दिन का भी हो जाता है, कभी कभी 10 दिन का हो जाता है, लेकिन आज दूसरा दिन है। तो प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन शैलपुत्री और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है, और 9वें दिन यह राम नवरात्र कहलाता है, चैत्र का महीना का, चैत्र शुक्ल पक्ष का। तो इसमें रामनवमी उत्सव मनाया जाता है, चूँकि हमारे परिसर में भगवान श्री राम का भी मंदिर है, तो रामनवमी का उत्सव दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और इस मंदिर की प्रसिद्धि यह है कि यह मंदिर अपने आप में स्वयं सिद्ध है, किसी का स्थापित किया हुआ नहीं, माता जी का यहाँ खुद प्राकट्य हुआ है। और यहाँ लोग आकर के दर्शन करते हैं, अपनी मनौतियाँ करते हैं, और मनौतियों का मनोरथ पूर्ण होता है उनका, और वह लोग बड़ी श्रद्धा भाव से माँ भगवती के चरणों में आते हैं, नारियल प्रसाद, हलवा, पूड़ी, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो चढ़ाता है और उनके चरणों में प्रणिपात करता है, नतमस्तक होता है। यही यहाँ की परंपरा है भैया। और नगर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के लगभग नवरात्र में 60-70 हज़ार आदमियों की भीड़ हो जाती होगी, इससे अधिक हो जाती हो, लेकिन कम नहीं होती है। मनोरथों का पूर्ण होना ही इसलिए कि 90% लोग अपने इष्ट का, अपने देवी देवता का पूजन इसलिए करते हैं कि उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी मांगें पूरी होती हैं, और वह विपत्ति काल में भी अपने को हृष्ट पुष्ट पाते हैं, अपने को तंदुरुस्त पाते हैं, इसलिए उनकी आस्था जो है वह अपने इष्ट के चरणों में बढ़ जाती है और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अयोध्या की बात कहें तो जन्मभूमि है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का तो ठीक ही है, प्राण प्रतिष्ठा कभी भी करो, प्राण प्रतिष्ठा बारंबार नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा तो वहाँ ऑलरेडी थी ही। उसका एक नया स्वरूप दिया हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने, जो बिल्कुल अलौकिक है, और कुछ हो सकता था, लेकिन ये दोनों युग पुरुष अगर न हुए होते तो शायद यह दिन आज हमको देखने को न मिलता। जो भीड़ आज अयोध्या में है वह सराहनीय है और वह अनुकरणीय है, हर व्यक्ति को अयोध्या धाम जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए रामलला का। यही तो बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले लोगों का मनोरथ पूर्ण होता है, इसलिए आस्था और परिपुष्ट हो जाती है। लोग आते हैं, जो भी उनके व्यवहारिक जीवन की, गृहस्थी